जय माता दी दोस्तों। तो फाइनली ये है पार्ट टू वीडियो। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट वन वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आई बटन पे लिंक दिया गया है। तो चलिए पार्ट टू वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों अभी हम उस मंदिर पे आए हैं जहाँ पे एक साधु है, बोले तो राजा है, राजासो उनका नाम है ऐसे करके, और उनके सर में को फाड़ के माता रानी निकली थी। और साथ में जो जब यहाँ पे अकाल पड़ा था तो वो अपने 7 बाघ और 7 सांप को भेजते थे, और वो यहाँ पे एक एक दाना अनाज का अपने पंजों के नीचे छोड़ के जाते थे। बहुत लंबा कहानी है, तो पहले तो अंदर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं, बहुत ही अच्छी चीज। चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं दूसरे मंदिर के साइड, और चलते हैं इधर देखते हैं क्या क्या है। तो ये गेट है, उधर से भी एंट्री है, इधर से भी एंट्री है। और यहाँ पे सब लोग पहले से आ गए हुए हैं। बाबा थोड़ा बताइएगा। ये खूबसूरत जो देख रहे हैं ये रासु बाबा है। अच्छा, देवी मैया की कृपा से इनकी अवतार हुई है ना, झालका के माध्यम से। मुनिया नाम के एक चमार जाति की लड़की थी, उसी के हाथ से इनका अवतार हुआ है। देवी मैया इनको कौरू कमच्छा ले गई, भक्ति कराई, भक्ति करा के यहाँ भेजा। तो अकाल का समय था, बाबा यहाँ आए तो भोजन का कमी होने लगा। देवी मैया को पुकार किए, देवी मैया फिर आई। आने के बाद देवी मैया से अपना बात बताए कि इसी तरह का धंधा है, यहाँ भूखे से मर रहा है, भी यहाँ पर भूखे रह रहा है। देवी मैया अपना बाघ सवारी जो था वो दे दिया, थाप दिया। ये बाघ कर इसी से यहाँ खतरा घास है, इसका दौरी करो, इसमें चावल निकलेगा वही खाना और लोगों में बांट देना। अच्छा, प्रतिदिन ही काम होने लगा। यहाँ का राजा जब देखे इनको पता चला तो गुप्तचर भेज कर चेक कराए, अपने जाकर देखे। देखने के बाद राजा पूछे कि सब कैसे हो। बाबा बोले कि सब मैया की कृपा से। राजा बोले कि मैं भी दुर्गा को पूछता हूँ तो हमको शक्ति नहीं मिला है, और आप कौन दुर्गा को पूछते हैं कि ऐसा शक्ति नहीं है। बताए कि कौरू कमच्छा मैया का सब कृपा से होता है, मैं उनका भक्त हूँ, उनका पुत्र भी है, और तो देवी को देखा हो। राजा जिद करने लगे, बहुत समझाने के बाद नहीं माने। लास्ट में बाध्य होकर देवी मैया को पुकारना पड़ा। देवी मैया को रूप मछा चली कलकत्ता पटना आने होते हुए घोड़ा घाट आकर मैया भी समझा देंगे, राजा नहीं माने। तब देवी मैया वहाँ से गुस्सा होकर चली, वहाँ चली जितना जंगल देख रहे हैं सब राज दरवाजा सब ध्वस्त कर दिया। आधी तूफान भी कम मचा कर बाबा के पास पहुँची। तो बाबा को राजा जी बोला था कि तुम ढोंगी हो, जादूगिरी करते हो, नजर बन का खेल करते हो, लोगों को भरमाते हो, लेकिन ऐसा बात कोई था नहीं। देवी मैया इसलिए प्रमाणित करने के लिए बाबा का अंदर प्रवेश करके या मस्तक पार कर राजा को दर्शन दिया। उतना पहले राजा मर गए, उसके बाद मैया वहीं रुक गई। यही वो जगह है। आप उन्हीं के वंशज हैं? रसु बाबा के ही वंशज हम। अच्छा, तब से इन सब मंदिर को हम लोग बना रहे हैं, लोगों से दान दक्षिणा लेते हैं, चंदा लेते हैं, उसी पैसा से सब बनता है। जिसका भाग होता है उसी का पैसा ही पड़ता है, सबका पैसा नहीं है। पूरे लोग आते हैं, जिसके हाथ में जस है, कीर्ति है, उसी का पैसा लगता है। किराया गया कीर्ति तो सबसे होगा नहीं। इतने लोग भागशाली है, उनका 10 रुपया लगता है, जो टीवी लगता है। हम लोग तो दुनिया छोड़ते हैं, लेकिन दान दुनिया नहीं छोड़ेगा। जब तक धरती पर खड़ा है ध्वस्त होकर भी रहेगा तो दान वही रहेगा। जब तक धरती ध्वस्त निकलता था।
तो दोस्तों देखिए, हम लोग आए थे अंधेरे में, रात के सुबह के 3 बजे बोल सकते हैं, और अभी बज गया है 7, और देख रहे हैं वहाँ पे सूरज निकलने लगा है, और यहाँ पे तालाब है, बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ पे मंदिर है, और इसके अंदर मैंने दिखाया आपको कि एक साधु थे और साथ में 7 बाघ थे जो माता रानी भेजती थी, और माता रानी उसी साधु के सर को फाड़ के निकले थे, अपना हाथ देखे होंगे उनके सर में, और उसी के सामने नदी है, और देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, एकदम तालाब है बहुत खूबसूरत सा, और साथ में सूर्य अभी उग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये है मनोकामना कुआं, और इसमें देख सकते हैं अंदर क्या है, अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, अंदर सिर्फ पैसा है, सिक्का है, और कुआं है, मनोकामना कुआं इसी को बोला जाता है, और साथ में देख सकते हैं कुआं के ऊपर से सांप है, शेषनाग है। ये मंदिर के दूसरे साइड के तरफ एक और नदी मिला है, तालाब है, और ये तालाब बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं यहाँ पे हंस तैर रहे हैं, और साथ में इसमें बहुत सारे अनगिनत मछलियाँ हैं, और मछलियाँ बीच में है, डुबकी लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, देखिए हंस भी हैं, और आपको थोड़ी देर में अगर मछली मुझे दिखता है तो आपको दिखाता है, फिलहाल तो आप हंस को देखिए। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि राजा जब भक्त को जब बोला कि नहीं माता रानी को तुम यहाँ पे बुलाओ, तो जब माता रानी अपना रौद्र रूप लेकर यहाँ आई थी, तो जितना भी यहाँ पे महल थे, पहले यहाँ पे राजा का पूरा महल हुआ करता था चारों तरफ, और आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको जंगल दिखाई देगा। जब माता रानी यहाँ पे रौद्र रूप में आई थी तो सारा जितना भी महल था सबको बर्बाद कर दी थी, पूरा यहाँ पे अकाल आ गया था, और देख सकते हैं इसलिए अब यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है। जो भी थोड़ा बोरा आपको दिखेगा, जैसे अभी आपको शेषनाग वाला कुआं दिखा है, उस कुआं का आप ईंट को देखिएगा नीचे में, तो वो ईंट इतना पुराना लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा कितना पुराना वो कुआं है। तो इसीलिए यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल है, क्योंकि सारा चीज़ जब माता रानी रौद्र रूप में आई थी तो पूरा चीज़ तहस नहस हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रसादी का दुकान भी है, और साथ में बहुत सारा प्रसादी का दुकान है, चुनरी फूल वगैरह आपको इधर ही मिल जाएगा, और साथ में इधर खिलौने वगैरह का भी दुकान है, चूड़ी लहठी भी मिल रहा है, इधर देख सकते हैं यहाँ पे खरीदारी चल रहा है। यहाँ भी देखिए इधर पर्स वगैरह मिल रहा है, खिलौना है छोटा छोटा, और साथ में एक अनेक तरह का लहठी चूड़ी है, इधर भी कुछ खिलौना वगैरह भी बिक रहा है यहाँ पे, और सब लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए, हमारे घर के लोग, हमारे चाचा जी हैं, और झोला वगैरह भी मिल रहा है, लंबा चौड़ा दुकान का लिस्ट है, एक दुकान नहीं है यहाँ पे, बहुत सारा दुकान है, क्योंकि यहाँ का मंदिर बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों अभी हम लोग पूजा पाठ करके हर जगह से घूम के अभी हम लोग अपने बस की तरफ आ गए हैं, और सभी लोग बस के अंदर बैठ गए हैं, और अब बस खुल भी गई है। तो ये वाला पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में बताइए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।